सो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टाइल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा मैड वर्सेस लैम के, जो फ्रेंड्स मैच खेला जाएगा स्पेनिश टी टेन लीग का, इसका मैं आपको डिटेलमेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, जल्दी जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके तो बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मैच की। तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं देने वाला, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिससे कि काफ़ी समय विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते फिर जल्दी से आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर आता है, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे प्राइम ग्रुप में जो आपको तकरीबन 95% विनिंग टीम मिलेगी, साथ ही साथ जो आपको 100% विनिंग टिप्स दिया जाएगा जिसको क्या फॉलो करके और भी अच्छा विन कर सकते हैं। अगर आप भी जो फिर ड्रीम लेन से कुछ विन नहीं कर पा रहे या फिर आप जो ड्रीम लेन पे बहुत सारा लॉस कर चुके हैं और सिंपली उस लॉस को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आता होगा, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते अपनी ड्रीम लेन टीम की तरफ, जहाँ की मैं आपसे के लिए पहले से टीम बना के रखा हूँ। तो फिर ड्रीम लेन टीम देने से पहले अगर आप लोग जो मैड वर्सेस स्पेन का वीडियो पाना चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका, जाके आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते अपनी ड्रीम लेन टीम की तरफ। बात करते हैं फ्रेंड्स विकेट कीपर सेक्शन की। तो देखिए, आपके पास विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन है, एक है फ्रेंड्स एम हरविन का, दूसरा सेन की बात करते हैं फ्रेंड्स एलगर। दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इन दोनों में से किसी का भी ट्राई कर सकते हैं। हरविन की बात करते हैं तो ये जो मैट की तरफ से आपको ओपन कर तो नजर आएंगे, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा, आप चाहते हैं उनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हरविन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर आते हैं फ्रेंड्स मैट की तरफ से खेलते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स खास करके ओडीआई जिससे मैचेस में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, हालांकि टी20 जैसी या फिर टी10 लीग में उतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए ओपन करने आते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, आपको तकरीबन 30-40 रन आपको आराम से बना के दे ही देंगे। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन दे रहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन ना दे, क्योंकि एज ए फ्रेंड्स इनका टी10 में जो है रिकॉर्ड उतना कोई खासा नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप इनको अपनी टीम में एज ए नॉर्मल प्लेयर के तौर पर लेके जाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी फिर बात करते हैं, एलगर को ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, थोड़ा लेट बैटिंग करने आते हैं तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स स्मॉल लीग में मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा। बात करते हैं फ्रेंड्स बैटिंग सेशन की, तरह से फ्रेंड्स की वुड को ट्राई कर सकते हैं, वुड भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। वुड की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो अपनी टीम के लिए आपको ओपन करता नजर आएंगे यहाँ से फ्रेंड्स लैम्प की तरफ से, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वुड की रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है अपनी टीम के लिए, 3 मैचेस के लिए जिसमें क्या है फ्रेंड्स 142 या 43 रन के आसपास जो अपनी टीम के लिए बनाए हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वुड की रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रिसेंट फॉर्म जो हाल ही में इनका घरेलू मैचेस हुआ था उसमें अपनी टीम के लिए 84 रनों का शानदार पारी भी खेले थे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी जो फिर बात करते हैं आप ई गेरी को ट्राई कर सकते हो, जो कि अपनी टीम के लिए आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते नजर आएंगे, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। गैरी की बात करते हैं फिर बैटिंग के साथ साथ आपको दो बार आपको बॉलिंग भी करके देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसे फिर टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी आपको दो बार करके दे देंगे, तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी की प्लेयर बन जाते हैं। बाकी जो फिर बात करते हैं आप लुइस क्लार्क को ट्राई कर सकते हैं, जो क्या है फिर ओपन करेंगे, अच्छे प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी जो फिर बात करते हैं आप कॉर्नेल को ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा बैटिंग करना है तो नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करता नजर आएंगे, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं अपनी टीम को, हालांकि मिडिल ऑर्डर में जरूर बैटिंग करना है लेकिन परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं उनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। आपके पास ये 4 प्लेयर जो की प्लेयर रहने वाले, आप इन 4 में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं और बाकी जो फिर बात करती है सभी के सभी ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगे, तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई ना करें। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जब आपको इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह कुछ भी रहता है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं।
बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। फ्रेंड्स तो ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग जो ड्रीम इलेवन पे बहुत सारे लॉस कर रहे हैं और कोई ऐसी फैंटेसी साइट की तलाश में है जहां कि आप अपना लॉस रिकवर कर पाए तो आप यहां से फ्रेंड जो है डोलो स्टार पे खेल सकते हैं। इस ऐप का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दिया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉम्पिटिशन वाली फैंटेसी साइट है क्योंकि यहाँ पे जो ये फैंटेसी साइट न्यू है तो ऐसे में जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन भी कम मिलेगा और आपके विन करने के चांसेज जो है तकरीबन 70% के आसपास रहने वाले हैं। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दिया, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस ऐप को डाउनलोड कर लिए तो डाउनलोड करने के बाद जो आप मेरे रेफर कोड जरूर से इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि अगर आप मेरे रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो 100 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा और उस 100 रुपये से काफ़ी अच्छा अमाउंट भी विन कर सकते हैं डोलो स्टार पे। इस ऐप का लिंक और रेफर कोड दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दिया। अगर फ्रेंड्स आपको रेफर कोड नहीं मिलता तो आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते, ये मेरा रेफर कोड है, आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं डोलो स्टार पे। तो फ्रेंड्स अच्छी फैंटेसी साइट ऑलमोस्ट जो काफ़ी अच्छे मेरे व्यूवर्स विन कर रहे हैं, अगर आपको भी विन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। विड्रॉलिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको पेटीएम और बैंक दोनों पे विड्रॉल मिलता है। अगर आप पेटीएम पे विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आप पेटीएम पे भी विड्रॉल ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप बैंक में विड्रॉल लेना चाहते हैं तो बैंक में विड्रॉल मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे विड्रॉल लेना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट अच्छी फैंटेसी साइट आप चाहते ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आपने देखें देखिए आपके पास तीन ऑलराउंडर का सबसे बेस्ट ऑप्शन एक है फ्रेंड्स, और वो जेविस का दूसरा सेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे हैरविन का लास्ट ऑप्शन की बात करें कहते हैं फ्रेंड्स हुसैन को ट्राई कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन आप इन तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड फर्स्ट मैच में जो वी जैन को खिलाया जाएगा, लेकिन सेकेंड मैच में ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये कन्फर्म मैं नहीं बता सकता, तो आप इनको अपनी टीम में फर्स्ट मैच में ट्राई करें। सेकेंड मैच में ये मुझे नहीं लगता कि इस मैच में खेलने वाले, क्योंकि ये फर्स्ट मैच में जो इनको स्क्वाड में जरूर डाला गया लेकिन सेकंड मैच में जो इनका स्क्वाड में नाम नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बाकी फिर बात करते हैं ऐसे जाविर्स को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर फ्रेंड्स, बैटिंग से काफ़ी अच्छे आपको बॉलिंग करके देंगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बॉलिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरे 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे और अच्छे प्लेयर हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। बाकी फिर बात करते हैं आप ऐसे हैरविन को ट्राई कर सकते हैं, हैरविन भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाले। बैटिंग की बात करें तो नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी जो आपको 2 ओवर आपको करके दे देंगे। बाकी फिर बात करते हैं ये दोनों थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन लेंगे, तो आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई ना करें। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं फिर आप ऐसे हुसैन को ट्राई कर सकते हैं, हुसैन जो है एक एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, फिर सेकेंड मैच में जो इनका स्क्वाड में नाम भी डाला गया है, तो ऐसे में ये कन्फर्म आपको खेलता नजर आएंगे। अगर फ्रेंड्स ये खेलते हैं तो ये नंबर 3 पे आपको बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देने वाले। हुसैन की बात करते हैं फ्रेंड्स, रिसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से अपनी टीम के लिए लगातार परफॉर्मेंस करके दे रहे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी तो फिर बात करते हैं खेलने वाले हैं नहीं तो अपने बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे बॉलिंग सेक्शन की, जैसे फ्रेंड्स हकीम को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग जो है ऐसे फ्रेंड्स हकीम को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स आप ऐसे हकीम को ट्राई कर लीजिए क्योंकि ये इस मैच में आपको खेलते नजर आएंगे। बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड्स रेड वारिन को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि फ्रेंड्स ये इस मैच में शायद इस मैच में ये ना खेले, क्योंकि स्क्वाड में जो है इनका नाम तो डाला गया लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि ये इस मैच में खेलने वाले हैं। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे इनकी जगह में जो हकीम को इस मैच में चांस दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रेड वारिन जो है फर्स्ट मैच में खेलेंगे लेकिन सेकेंड मैच में मुझे नहीं लगता हकीम को ट्राई किया जाएगा, सेकंड मैच में यहाँ से फ्रेंड्स हकीम को ट्राई किया जा सकता है। हकीम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो रेड वारिन से काफ़ी अच्छे बॉलर है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। हालांकि यहाँ से फ्रेंड्स बहुत ही कम लोग जो इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ 18% लोग ही ने इनको अपनी टीम में रखा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे प्लेयर आपके लिए ग्रैंड और स्मॉल लीग दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाले, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट बात करें तो वुड खेलने वाले हैं नहीं तो अपने बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। रेड वारिन का मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी डिफरेंट बात करते हैं पैसे जो बैलिन को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ याद है फ्रेंड्स एसिंग को ट्राई कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले, आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे ई ग्रे को मैं कैप्टन देने वाला हूँ, वाइस कैप्टन की बात करते हैं ऐसे फ्रेंड्स जाविर्स को मैं वाइस कैप्टन देने वाला हूँ, क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और बॉलिंग भी लगातार बॉलिंग से जो लगातार अपनी टीम के लिए विकेट निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। बात करते हैं फ्रेंड्स इनके विकेट टेकिंग एबिलिटी की, तो 5 मैचेस के लिए जिसमें कि 21 विकेट के आसपास जो है अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं, तो ऐसे में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर मैच में तकरीबन 4 विकेट करके हर मैच में निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन अपोजिट भी कर सकते हैं। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे देख सकते हैं मैड के जो 4 बॉलर थे फ्रेंड्स लैम के भी 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स मैड के भी मैं 4 बैट्समैन और लैम के भी 4 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। साथ ही साथ बॉलिंग की बात करें तो मैड के मैं जो है 3 बॉलर ऐसे फ्रेंड्स लैम के भी 3 बॉलर के साथ जा रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।